नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको ये डबल फ्लावर कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। दो कलर का है ये, वाइट और रेड कलर का, तो मैं आपको वाइट और पिंक कलर से सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने ये वाइट कलर से करना है। ये वाइट कलर से हमने सबसे पहले बनानी है मैजिक चैन। बनानी है मैजिक चैन ऐसे, एक चैन हमारी बन गई। ये थोड़ा सा हमने छोटा कर लेना है गोले को। तो ये एक चैन बन गई है, तो दो चैन और लेनी है हमने। एक दो, दो चैन लेनी है। ये होगी हमारी तीन चैन, एक पहले से ही बनी थी, दो हमने ली तो होगी तीन चैन। अब हमने दो डबल क्रोसे करने हैं। क्रोसिया में घुमाया था का डबल क्रोसे मैंने आपको सिखा रखा है। तो तीन फंदे हो गए हमारे पास ये, फिर दो फंदों के अंदर से निकालना है, फिर हमारे पास बच गए दो फंदे, फिर हमने इसके अंदर से ऐसे निकालना है। एक डबल क्रोसे कर लिया, एक और डबल क्रोसे करना है हमने। ये हमने कर लिए दो डबल क्रोसे। अब हमने लेनी है तीन चैन, एक दो तीन, तीन चैन ले ली। अब हमने इस गोले के ही अंदर, ये गोला है जो, इसके अंदर जोड़ना है, जोड़ना ये दो फंदे, फिर जो ये पहला फंदा है इसको दूसरे फंदे के अंदर से निकाल लेना है, ऐसे जोड़ना है। तो हमारी ये बन गई, एक पत्ती बन गई है ये। अब सेम उसी तरीके से हमने सेम वैसे ही करना है। अब हमने लेनी है तीन चैन लेनी है, एक दो तीन, फिर दो डबल क्रोसे करने हैं, एक दो, फिर सेम वैसे ही एक दो तीन चैन लेनी है ऊपर को, फिर इस गोले के अंदर हमको जोड़ देना है ये, इसको इसके अंदर से ले लेना है। ये हमारी दो पत्ती होगी। अब हमें सेम दो पत्ती ऐसी ही बनानी है, सेम इसी तरीके से। चार पत्तियाँ बन गई, एक दो तीन चार। अब हमारा जो ये छोटा वाला धागा है इसको ऐसे यहाँ पे दबा के, यहाँ पे ये दबा लेना है इसको, ये वाली जो लास्ट वाले ऐसे, और इसको धागे को ऐसे खींच लेना। हमने ये चारों पत्तियों को ऐसे दबा लेना है। फिर हमने जो ये छोटा वाला धागा है इस धागे को ऐसे टाइट खींच लेना है, ये आएगा ऐसे। हमारी ये चार पत्ती होगी। फिर हमने पीछे से छह पत्तियाँ बनानी है, डबल फ्लावर है ये। पीछे से छह पत्ती बनाने के लिए हमने लेनी है यहाँ पर दो चैन लेनी है, एक दो चैन लेनी है। और जो ये पहली पत्ती है, जो ये हमारी पहली पत्ती है, इसके पीछे साइड से ऐसे इसको घुमाना है, फिर पहली पत्ती के बीच में हमने ये यहाँ पर जोड़ना है, ऐसे क्रोसे ऐसे डालना है ऐसे। फिर हमने ये ऐसे यहाँ से लेना है, ये दो दो फंदे आ जाते हैं। फिर हमने पहले फंदे को दूसरे फंदे के अंदर से निकालना है, ऐसे ऐसे जोड़ना है। हमारा यहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है। अभी हम इसमें पिंक कलर से वैसे ही पत्ती बनाएंगे। ऐसे ही हमने
जोड़ना है 6 बार, 1 2, पहली पत्ती के बीच में जोड़ा था, अब हम जोड़ेंगे इसको दूसरी पत्ती के बीच में, यहाँ पे दूसरी पत्ती के बीच में जोड़ेंगे, ऐसे सेम वैसे ही जोड़ना है। अब फिर से 1 2 चैन लेंगे हम, फिर दूसरी पत्ती के लास्ट में जोड़ेंगे हम यहाँ पे, ये फिर 2 चैन लेनी है, 1 2, हमने 2 पत्तियों में 3 बार जोड़ लिया है, अब जो 1 2 पत्ती बचे इनमें जोड़ेंगे 3 बार, तो हो जाएगा 6 बार। अब हमने ये जो तीसरी पत्ती है इसके बीच में जोड़ना है, ऐसे तीसरी पत्ती के बीच में जोड़ना है, फिर 2 चैन लेनी है, 1 2, फिर चौथी पत्ती के बीच में जोड़ना है, चौथी पत्ती है जो हमारी उसके बीच में जोड़ना है, फिर लेनी है 1 2 चैन, फिर हमने जो चौथी पत्ती है उसके लास्ट में जोड़ना है, चौथी पत्ती यहाँ पे हमने बना लिए हैं, हमने 6 बार जोड़ के 6 बॉक्स बना लिए हैं पीछे से। हमने ये तागा वाइट कलर के तागे को कट कर देना है ऐसे, फिर इस तागे को ऐसे खींच लेना है, ये 4 4 पत्तियाँ बन गई है, ये ऐसा सेफ आएगा, और पीछे से ये अभी हमने इन इसमें फ्लावर बनाने हैं पिंक कलर से, तो हम जो ये पहला बॉक्स है जहाँ पर हमने ये तागा कट किया था, जो ये फर्स्ट बॉक्स है इसके पीछे साइड से आएगा ये, तो पत्ती है ये पीछे साइड से, जो पहला बॉक्स है उसमें हमने डालना है क्रोशिया, और साथ में ये दोनों जो ये तागे हैं इनको ऐसे छुपाते रहना है ऐसे, बाद में इसको सुई से छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम पहले से ही छुपा लेते हैं। अब हमने लगाना है ये पिंक कलर का दूसरा तागा इसमें, तो इस तागे को हम ऐसे लगाते हैं, इसको क्रोशिया में ऐसे लेना है, जो पहले बॉक्स के अंदर मैंने क्रोशिया ऐसे डाल रखा है इसके अंदर से ऐसे निकालना है इसको, ये देखिए। अब हमने करना है, अब हमने 3 चैन लेनी है, 1 2 3, 3 चैन ले ली, पहले बॉक्स में ये पत्ती है इसके पीछे साइड से बनेंगे फ्लावर, ये घुमाना है, जो पहला बॉक्स है उसी के अंदर ऐसे डबल क्रोशे करना है, ये 3 फंदे हो जाएंगे, फिर 3 का 2 करना है, 2 का 1 करना है, ये डबल क्रोशे हमने करना है, एक बार कर लिया 2 बार और करना है इसी बॉक्स में, इसी बॉक्स के अंदर करना है हमने, 2 हो गए हमारे, 3 डबल क्रोशे, 3, फिर हमने लेनी है 3 चैन, 1 2 3 चैन लेके उसी बॉक्स के अंदर, उसी वाले बॉक्स पहले वाले बॉक्स के ही अंदर हमने जोड़ना है, ये ऐसे, ये हमारी एक पत्ती बन गई। अब हमने दूसरे बॉक्स में जाना है, दूसरा जो पीछे से उसी के बगल के बॉक्स में जाना है, दूसरे वाले में जाना है और ऐसे जोड़ लेना है इसको, 2 इसके अंदर से निकालना है पहले के ये, फिर हमने लेनी है 3 चैन सेम उसी तरीके से, 1 2 3 चैन लेनी है, फिर इसी बॉक्स के अंदर हमने करने हैं 3 डबल क्रोशे, इसी बॉक्स के अंदर करने हैं, 1 2 3, 3 कर लिए, अब हमने लेनी है 3 चैन, 1 2 3, फिर इसी बॉक्स के अंदर जो दूसरा बॉक्स हमारा उसके ही अंदर हमने ऐसे जोड़ना है, हमने जोड़ लिया। अब हमने हर डिब्बे में सेम इसी तरीके से पत्तियाँ बनानी है, सेम 2 पत्तियाँ बन गई, अब हम तीसरे में बनाएंगे, तीसरे बॉक्स में
लास्ट छठे बॉक्स में हमने बना दिए हैं, लास्ट में भी वही तीन तीन चैन लेने हैं, फिर उसी के अंदर जोड़ देना है। ये हमारा बन गया डबल फ्लावर। ये आगे चार पत्तियाँ, फिर हमने जोड़ा छः बार, फिर उनके अंदर बॉक्स के अंदर हमने बना दी छः पत्तियाँ। फिर हमने कैंची से कट कर देना है। बन गया हमारा डबल फ्लावर। और जो हमने पहले ही छुपा दिए थे इनको कट कर देना है। ये बन गया डबल फ्लावर हमारा।